नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं क्लोज टू वर्ल्ड। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मेरी टीम के सदस्य अंजलि यादव द्वारा लिखी गई खामोश जिंदगी की एक खूबसूरत कहानी, बेरंग जिंदगी के रंग। रंग हमारी जिंदगी का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है ना। इन रंगों के बिना हमारी जिंदगी कितनी बेरंग बेमानी सी लगती है। ऐसी ही बेरंग हो चुकी है सुनहरी की जिंदगी। हाँ, सुनहरी मेरी सबसे अजीज दोस्त थी और मेरी सबसे अच्छी दोस्त होने के साथ साथ वो हिमेश की विधवा थी। हिमेश का एक रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसने अपनी जान गंवा दी। सुनहरी अपने सास ससुर के साथ ग्वालियर में रहती है। भाभी, आप इतने बेरंग कपड़े क्यों पहनती हो? मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ऐसा सुनहरी के देवर शिवम ने कहा। शिवम हिमेश का छोटा भाई था। शिवम की यह बात सुन सुनहरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा जी, अब हम आपको ऐसे अच्छे नहीं लगते। अरे भाभी, मैं तो आपके कपड़ों की बात कर रहा था। तभी हिमेश की माँ ने कहा, अब क्या करें, इसकी किस्मत में यही लिखा है, ये बेरंग कपड़े ही अब इसकी दुनिया है। अब माँ की यह बात सुन आंखों में आंसू लिए सुनहरी वहां से चली गई और शिवम को भी अपनी माँ की यह बात कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन वो भी बिना कुछ बोले वहां से चला गया। सुनहरी को सजना सवरना बहुत पसंद था। जब हिमेश से शादी करके वो इस घर में आई थी तब वो हमेशा सजी धजी रहती थी। रंग बिरंगी चूड़ियां, कपड़े, मेहंदी लगे हुए हार हमेशा से ही उसे पसंद थे। यहाँ तक कि सुनहरी ने अपने कमरे को भी इसी तरह सजा रखा था। कलरफुल पर्दे, बेड पर बिछी वो फूलों वाली चादर, उसको रंग बहुत पसंद थे। जब वो शादी के बाद पहली बार अपने कमरे में आई थी तो उसका कमरा बहुत सिंपल था। उसने हिमेश से पूछा भी था कि आपने अपने कमरे को सिर्फ एक ही रंग क्यों दिया है। तब हिमेश ने सुनहरी की रंग बिरंगी चूड़ियों से खेलते हुए कहा, क्योंकि पहले मेरी जिंदगी में तो सिर्फ एक ही रंग था ना, इसलिए मेरे रूम में भी सिर्फ एक ही रंग है। मगर जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी भी रंग बिरंगी हो गई है। तो अब जैसा तुमने मेरी जिंदगी में रंग भर दिए हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इस रूम में भी रंग भर देना। यह सोचते सोचते मानो सुनहरी अपनी खूबसूरत यादों में खो गई। हाँ, अब बस यादें ही तो थी। तभी बाहर से आवाज आई, मम्मी मुझे पिचकारी चाहिए, मैं भी होली खेलूंगी। यह सुन सुनहरी बाहर आई और आयशा को गले लगाकर बोली, अच्छा आप भी होली खेलेंगे? हाँ मम्मा। आयशा सुनहरी की 2 साल की बेटी थी। हमेशा रंगों से प्यार करने वाली सुनहरी की जिंदगी आज बिल्कुल बेरंग थी। लेकिन वो मासूम बच्ची, उसने तो अभी अभी नए रंगों को देखना शुरू ही किया था। इतने में कानों में आवाज पड़ी, बहू कल होली है, थोड़ी गुजिया बना लेना और साथ में नमक पारे भी। हिमेश की माँ ने कहा। थोड़ी ही देर में सुनहरी गुजिया बना रही थी तभी शिवम वहां पहुंचा और बोला, अरे वाह भाभी, आप गुजिया बना रही हैं। और फट से उठाकर एक गुजिया खा गया। तभी सुनहरी ने गुस्सा होते हुए कहा, शिवम अभी क्या कर रहे हैं, पहले पूजा होगी। हाँ तो मैंने कर ली पूजा। सुनहरी ने हैरानी से शिवम को देखा तो शिवम बोला, हाँ मैंने भी तो पेट पूजा कर ली है भाभी। यह बोल वो वहां से भाग गया। शिवम की शरारत देख सुनहरी भी हंसने लगी। सुनहरी अब कम ही हंसती थी और इस बात से वो अनजान थी कि किचन के गेट पर खड़े होकर शिवम उसे देख रहा है। जैसे ही उसकी नजर शिवम पर पड़ी तो वो चुप हो गई। तभी शिवम ने कहा, चुप क्यों हो गई भाभी, हंसते हुए आप बहुत अच्छी लगती हो। इतना कहकर वो वहां से चला गया। अगले दिन होली थी, सुनहरी अपना काम खत्म करके कमरे में सोने चली गई। जब वो अपने कमरे में पहुंची तो उसने अपनी बेटी को देखकर हंसना शुरू कर दिया।
जो कि अपने साथ अपनी पिचकारी लिए सो रही थी। सुनहरी जैसे ही बिस्तर पर लेटी तो वो अपनी और हिमेश की पहली होली याद करने लगी कि कैसे हिमेश ने उसे सभी रंगों से रंग दिया था, लाल, हरा, गुलाबी, पीला, सारे रंग। यह याद करते करते उसकी आंख भर आई और उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्यों चले गए तुम? तुम जानते थे ना, होली मेरा मनपसंद त्योहार है। मुझे और मेरी जिंदगी को यूं बेरंग क्यों बना गए? कितनी अजीब बात है ना, हम अपने आप को किसी के लिए कितना बदल देते हैं, या किसी के चले जाने से हमें जीना छोड़ देना चाहिए। क्या ये रंग बिरंगी दुनिया किसी के चले जाने से बेरंगी हो जाती है? और अब क्या सुनहरी की जिंदगी में फिर से रंग भर पाएंगे? सब लोग होली खेल रहे थे, घर के मेहमानों की आवाजाही लगी हुई थी, बाहर मोहल्ले में होली के गाने चल रहे थे और सुनहरी अपने कमरे में बैठी हुई हिमेश की तस्वीर देख रही थी। मानो कह रही थी, वापस आ जाओ हिमेश, मुझे भी इन रंगों में रंग जाना है। तभी अचानक हिमेश की माँ की आवाज आई, बहू तू भी होली खेल बाहर आकर। यह सुन सुनहरी बाहर आई और माँ की तरफ हैरानी से देखने लगी और उसने फिर पूछा, माँ क्या कह रही हैं आप? अरे सुना नहीं क्या, बाहर जाकर होली खेल, देख तुझे शिवम कब से बुला रहा है। बेटा ये जिंदगी बहुत बड़ी है और बहुत खूबसूरत भी, हिमेश के जाने से तूने तो रंगों से नाता ही तोड़ दिया। जा बेटा, इस बेरंग जिंदगी में फिर से रंग भर दे। तो दोस्तों, जिंदगी बहुत बड़ी है और बहुत खूबसूरत भी। माना किसी के जाने से हमारी जिंदगी में सब कुछ बदल जाता है, लेकिन हम इन रंगों के बिना अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में भी रंग भरते रहें और कभी भी किसी और की जिंदगी को बेरंगा ना होने दें।